सलाम, कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीति तिवारी। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेकअप, न्यूड मेकअप लुक। जैसा कि रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम आप मेकअप के बारे में भी बताइए, तो मैं मेकअप आज से मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फेस को क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग कर लेना है। मतलब फेस को अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लीजिए। देन उसके बाद आप कोई भी टोनर है आपके पास वो अप्लाई कीजिए फेस पे। अगर टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद से कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम आप यूज कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना चश्मा उतार दूँ, हेयरबैंड लगा लेते हैं ताकि हमको हेयर डिस्टर्ब ना करें। हाँ, मैं हेयर पे साड़ी पे हेयर स्टाइल भी बताऊंगी, लॉन्ग फेस के लिए, राउंड फेस के लिए, शॉर्ट फेस के लिए, चौड़े माथे के लिए, छोटे माथे के लिए, हर टाइप के लिए हेयर स्टाइल की वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए, मैंने अपने बाल यहाँ पे कवर कर लिए हैं और अभी मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मैंने अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश कर लिया है। उसके बाद से मैं यहाँ पे टोनर की जगह पे गुलाब जल यूज़ करती हूँ। मुझे टोनर से ज़्यादा बेस्ट लगता है गुलाब जल, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। गुलाब जल लगा के थोड़ी देर छोड़ देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे पतंजलि का मॉइस्चराइजर क्रीम ले रही हूँ, ये वाला कोकोनट फ्लेवर वाला है, ये विद सिया बटर एंड ओलिव ऑयल इसमें मिक्स है। सर्दियों का टाइम चल रहा है तो ये वाला मॉइस्चराइजर मुझे सही लगता है। बाकी आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। मॉइस्चराइजर लगा के थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। मॉइस्चराइजर लगाने से आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है और केकी केकी सा नहीं लगता है। उसके लिए मैंने मॉइस्चराइजर यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा प्राइमर का। तो प्राइमर मैंने हुड्डा ब्यूटी का लिया है। यहाँ पे प्राइमर का काम होता है आपकी स्किन में जो आपकी स्किन पे जो पोर्स ओपन होते हैं उसको हाइड करना एंड आपके मेकअप को क्लीन और स्मूथ बनाने का। तो इसलिए प्राइमर बहुत ही ज़रूरी स्टेप है आप जब मेकअप करते हो उसमें। तो प्राइमर को इस तरीके से मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अक्सर हमारे यहाँ पे चिक बोन्स पे ओपन पोर्स होते हैं, मेरे फेस पे नहीं है लेकिन जिसको भी होते हैं यहीं पे होते हैं। तो प्राइमर को लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये आपके ओपन पोर्स को हाइड कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा आईब्रो फिल के लिए। तो मैंने यहाँ पे मेकअप ब्रश हुड्डा ब्यूटीज का यूज़ किया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, काफ़ी अच्छे मेकअप ब्रश हैं इसके अंदर। देन ये वाला ब्रश लूँगी और ये जेल आईलाइनर से मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। ओके, इससे बहुत ही अच्छा आपका आईब्रो फील हो जाता है। जब भी आप आईब्रो फिल करते हो तो इस तरीके से आप पहले आईब्रो को ड्रॉ कर लो। उसके बाद से आप फिल कर लो। इस वाले ब्रश से आपकी आईब्रो अच्छे से फिल हो जाती है। आईब्रो अच्छे से फील हो चुका है। सेकेंड आईब्रो को भी सेम इसी तरीके से आपको करना है। आईब्रोज को फील करने के बाद से आपको यहाँ पे मैंने कंसीलर लिया है 7 सीज का, बहुत ही अच्छा कंसीलर है, वाटर प्रूफ है और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहता है इससे। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, 7 सीज का कंसीलर है ये, यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा हो।
सबसे पहले हम लोग मेकअप में आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे न्यूड मेकअप चाहिए, तो मैं यहाँ पे आई मेकअप के लिए एकदम सिंपल सा लुक रखने वाली हूँ। तो पहले इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। तो जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हो, ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से पानी में डिप कीजिए और अच्छे से इसका पानी निचोड़ लीजिए। उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करना है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। अच्छे से ब्लेंड होने के बाद से आप अपना आई मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। तो आई मेकअप मुझे यहाँ पे बिल्कुल न्यूड चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, आई शेडो पैलेट ले लेंगे और सिंपल सा आपकी स्किन से मैच होता हुआ कोई भी आई शेडो कलर लेके और अपने आई मेकअप को आप कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे अपनी स्किन से मैच होता हुआ सिल्वर कलर का आई शेडो ले लूँगी और सिंपली इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी अपने आईज के आई लीड पे। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि मुझे बाहर जाना है, तो एकदम नॉर्मल सा मेकअप है, डे मेकअप है ये। दिन के टाइम में आप ऐसे मेकअप कर सकते हो। ओके, सेम इसी तरीके से दूसरी आईज पे भी अप्लाई करना है। ये आप स्किप भी कर सकते हो अगर डे में मेकअप कर रहे हो तो। मुझे थोड़ी सी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो मैं इसको लगा ले रही हूँ क्योंकि मेरा डार्क सर्कल इससे हाइड हो जाएगा। जो आपका क्रीज एरिया होता है देन वहां से अंदर तक। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फुल फेस का मेकअप। फुल फेस पे हमने प्राइमर अप्लाई कर लिया था, अभी आपको कंसीलर अप्लाई कर लेना है, नहीं तो आप डायरेक्टली फाउंडेशन पे अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक मुझे कंसीलर की ज़रूरत नहीं है तो मैं अपने फेस पे सिर्फ फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे मैक का फाउंडेशन लिया है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं इसको यूज करूँ। ज़्यादा सा लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। ज़्यादा लेने से क्या होगा कि आपका मेकअप बहुत केकी दिखने लग जाएगा और ज़्यादा बहुत ओवर दिखने लग जाता है। तो एकदम लाइट सा लीजिए, अपने फेस पे टैप टैप करके अप्लाई कर दीजिए। मैं खुद का मेकअप करती हूँ तो मैंने कई बार बताया है कि मैं अपने हाथों का ही यूज करती हूँ ब्लेंड करने के लिए। अगर आप किसी और का कर रहे हो तो आप अपने ब्रश का यूज कर सकते हो। ओके, तो जितना प्रोडक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो उतना ही आपको अपने गर्दन पे भी अप्लाई करना है और इसको देन ब्लेंड कर देना है। तो आप देख सकते हो मुझे ज़्यादा मतलब कंसीलर वगैरह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेरा फेस वैसे ही ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस फाउंडेशन लगाया है, देन इसके बाद आपको अगर कोई डार्क स्पॉट्स है तो आप कंसीलर अप्लाई कर सकते हो। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स है तो मैं इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करी हूँ देन अपने आईज के नीचे, क्योंकि मुझे थोड़ा डार्क सर्कल का प्रॉब्लम है। अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, आप ब्लेंडर की हेल्प ले सकते हो। ये देख सकते हो एकदम नेचुरल सा लुक है, अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अभी आपको इनको सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए मैं यहाँ पे लैक्मे 925 का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने के बाद यहाँ पे मैं ब्लश यूज करूँगी। ओके, ब्लश मैं हल्का सा लूँगी। डे के टाइम पे आपको ब्लश ना भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा शाइनिंग चाहिए फिर तो हल्का सा एकदम। ये मैंने ब्लश लगा लिया। अभी आपको क्या करना है, हाइलाइटर लेना है। हाइलाइटर मैंने यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिया। स्विस ब्यूटी के मेकअप के सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं,
बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दूसरा ब्रश ले रही हूँ हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए, ये फ्लैट ब्रश। तो इसको मैं हाइलाइटर को अपने चिक बोन्स पे यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर दूंगी, देन दूसरे चिक पे भी इसी तरीके से आपके फोरहेड बोन्स पे, ओके, नोज पे। यहाँ पे कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं बता रही हूँ आप लोग को, अगर कंट्रोल की वीडियो अलग से चाहिए तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे डे का मेकअप करना था अभी, तो मैं कंट्रोलिंग यहाँ पे नहीं कर सकती, जस्ट अपने आईब्रोज के नीचे। देन आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो हाइलाइटर, जो आपकी ये शोल्डर वाले बोन्स होते हैं इसके पास। तो ये हमारा हाइलाइटर का भी काम हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप होगा फिक्सर का। फिक्सर मैंने यहाँ पे किस ब्यूटी का लिया था, ये वाला फिक्सर उतना अच्छा नहीं है, बट मैंने यूज़ कर लिया। इसके बाद मैंने हुड्डा ब्यूटी का फिक्सर मंगवाया है, वो बहुत ही अच्छा है, आपको अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी मुझे साउंड के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ बसें चलती रहती हैं, तो आ जाता है साउंड। इतना होने के बाद से आपको सिंपली क्या करना है, आप अपना लिपस्टिक ले लीजिए, जो भी लिपस्टिक आपको लगाना है। जब भी आप लिपस्टिक लगाते हो आप अपने लिप पे लिप बाम जरूर लगाइए, लिप बाम ना हो तो आप वैसलीन की डिब्बिया रख सकते हो, क्योंकि इससे आपकी लिपस्टिक परफेक्ट लगेगी, ओके। तो मैंने यहाँ पे लिप बाम लगा लिया है, और मुझे लिपस्टिक से पहले आउटलाइनर करना है, तो आउटलाइनर के लिए मैंने ये मैरून कलर का लिप आउटलाइनर लिया है अपने। लिप्स को कट देंगे, अगर आपको इसी कलर का लिपस्टिक चाहिए तो आप इससे भी डायरेक्टली अपने लिप्स को कलर कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई लिपस्टिक भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगा ली है और मस्करा बाकी है मेरा, तो मैं यहाँ पे लैक्मे 9 to 5 का मस्करा यूज कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आईलैशेस नहीं अप्लाई करूँगी आर्टिफिशियल, तो आप देख सकते हो आईलैशेस मेरी वैसे ही ओरिजिनल आईलैशेस ही काफ़ी अच्छी है, बट आपको नाइट में या फिर हार्ड मेकअप चाहिए थोड़ा सा, मतलब डार्क मेकअप नाइट के लिए कर रहे हो तो आप ये वाला आईलैशेस यूज कर सकते हो, कोई भी आईलैशेस आप ले सकते हो मार्केट से। ओके, अभी मैं आई लाइनर अप्लाई करूँगी। ये पूरा मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इससे अपने मेकअप को सेट कर रही हूँ। कभी भी मेकअप फिक्सर एकदम पास से नहीं मारना चाहिए, उससे आपके आई मेकअप का जो प्रोडक्ट होता है वो बह के आ सकता है, अगर आपका लाइनर वाटरप्रूफ नहीं होगा तो। इसलिए 1 फीट की, मतलब 1 हाथ की दूरी पर से आपको मेकअप फिक्सर इस तरीके से अप्लाई करना है अपने फेस पे, ओके। इसको पूरा ड्राई होने देंगे। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। मैंने वीडियो का ब्राइटनेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया ताकि आपको क्लियरली दिख पाए सब कुछ, आप ये जूम करके देख सकते हो मेरा मेकअप। तो आप भी अगर बाहर जा रहे हो डे में मेकअप चाहते हो और ऐसा लग दिखना चाहिए कि मेकअप किया भी है और किसी को पता भी ना चले कि आपने मेकअप किया है, तो आप इस तरीके का मेकअप अप्लाई कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे बहू हूँ तो मैंने साड़ी डाली हुई है और मुझे बाहर जाना है, तो इस तरीके से मैं पल्लू सेट करके यहाँ पे निकलूँगी। मैंने यहाँ पे हाई बन एंड पफ बनाया है इस तरीके से,
यहाँ पे मैं पिनअप कर लेती हूँ अपने पल्लू को। ओके, यूपिन आप भी अगर बहू है बाहर जाना है तो इस तरीके से आप यूपिन से अपने पल्लू को सेट कीजिए, तो ये बाहर आपका पल्लू गिरेगा नहीं और आप कंफर्टेबल रहोगे बाहर कहीं भी जा रहे हो तो उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे पल्लू को भी सेट कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगा हो और काफ़ी हेल्पफुल रहे ये वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छी लगी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और भी कोई वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं ताकि मैं उस टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप भी बिल्कुल लाइट सा है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।